हम बात कर रहे थे इसकी इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ दी जीबीएस जीबीएस इन्वेस्टिगेशन पार्ट ऑफ द जीपीएस, जिसके अंदर हमने बात की थी नर्व कंडक्शन स्टडी की। नर्व कंडक्शन स्टडी एनसीएस, एंड एनसीएस में हमने क्या देखा था? फर्स्ट थिंग, डिक्रीज द वेलोसिटी, एंड सेकेंड थिंग इज द डिक्रीज द एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल एंड सेकेंड इन्वेस्टिगेशन हमारे को पता होनी चाहिए, दिस इज नोन एज ए सीएसएफ एग्जामिनेशन। सीएसएफ एग्जामिनेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ दी गुलियन-बारे सिंड्रोम, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन सीएसएफ एग्जामिनेशन में हमारे को क्या मिलेगा? इंक्रीज दी लेवल ऑफ दी एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन एंड नो प्लियोसाइटोसिस, एंड नो प्लियोसाइटोसिस इज सीन इन दिस सीएसएफ फील्ड एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। सीएनएस काफी बड़ा है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ओके। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अब वो क्या है? देखिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से डेवलप होती है, ये कहाँ पे भी डेवलप हो सकती है, कि ये ब्रेन पार्ट से लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट तक कहीं पर भी ये चीज डेवलप हो सकती है। ये इसका यहाँ पे भी सेगमेंट बन सकता है, या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी उसकी डिजीज डेवलप हो सकती है। तो ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड कहीं पर भी डिजीज डेवलप हो सकती है। फर्स्ट थिंग, होता क्या है स्पाइनल, सॉरी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में? फर्स्ट, कोई भी इंफ्लेमेटरी कंडीशन, इंफ्लेमेशन हुआ। जब भी इंफ्लेमेशन होता है बॉडी में तो यहाँ पे क्या होगा? लॉस ऑफ द माइलिन, जब नर्व को अफेक्ट करेगा तो डेफिनेटली क्या होगा? लॉस ऑफ द माइलिन नोन एज ए डीमाइलिनेशन।
एंड डीमाइलिनेशन वापस से जब रिकवर होगा तो वो किस में रिकवर होता है? वो रिकवर होता है हमारा स्क्लेरोसिस में। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, तो यहाँ पे एक चीज बतानी चाहिए, दिस इज नोन एज ए डिसेमिनेटेड फॉर डिसेमिनेटेड फॉर टाइम एंड प्लेस, डिसेमिनेटेड फॉर टाइम एंड प्लेस। एंड यहाँ पे जो टी सेल्स रहेंगी, टी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में की अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जो टी सेल्स एंड बी सेल्स रहेंगी, तो टी सेल्स ब्रेक्स दी ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली डिस्टर्ब्स दी ब्लड बैरियर्स, ब्लड ब्रेन बैरियर्स। ओके, एंड बी सेल्स प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस दी एंटीबॉडीज। हमारे को पता होना चाहिए टी सेल्स क्या कर रही है, बी सेल्स क्या कर रही है। तो उसकी वजह से हमारे को क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो उसके क्लिनिकल फीचर से पूछा जाता है कि आई सिम्टम क्या आएगा हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में। एंड मोस्ट कॉमन आई सिम्टम इज दी ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। अब इससे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट और अर्लीएस्ट सिम्टम ऑफ दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, आंसर इज ऑप्टिक न्यूराइटिस। क्वेश्चन पूछा जाए मोस्ट कॉमन सिम्टम, तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपने नोट्स इस तरीके से तैयार करो कि हम जब डिजीज पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ में हमारे को वहां से किस तरीके से क्वेश्चन, हम पूरे ये पूरे क्लिनिकल फीचर्स को हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे को पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस पता है। बट हमारे को अब क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। हमारे को सारी चीजें पता रहेंगी बट हम फिर बाद में कंफ्यूज होते हैं कि हाँ ये मोस्ट कॉमन सिम्टम था या ये था। तो वही चीज नोट्स में लिखो जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन क्लिनिकल फीचर्स, नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स इज स्पास्टिसिटी, इज स्पास्टिसिटी। देन थर्ड इज दी सेंसरी लॉस, सर इज दी सेंसरी लॉस। ओके, यहाँ पे क्या होगा, सेंसरी लॉस बढ़ सकता है, इंक्रीज या एग्रावेट, जो अपन पढ़ते हैं अपने होम्योपैथिक में। सेंसरी लॉस इज एग्रावेटेड ऑन एक्सपोजर टू हीट के टाइम पे ये सेंसेशंस लॉस एग्रावेटेड हो जाते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। दिस इज नोन एज ए उफ्ट ऑफ साइन, दिस इज नोन एज ए उफ्ट ऑफ साइन। सेंसरी लॉस एग्रावेटेड ऑन एक्सपोजर टू हीट, दिस इज नोन एज ए उफ्ट ऑफ साइन। ओके, वन लाइनर क्वेश्चन है ये, ठीक है। जहां से जो क्वेश्चन बनता है या प्रीवियसली आया हुआ है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होंगे। ओके, देन टाइप ऑफ, सॉरी, एक इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार कंफ्यूज होते हैं कि उफ्ट ऑफ टाइम हीट से रिलेटेड है। उसी तरीके से एक होता है हमारा आइस पैक टेस्ट फॉल। ये वैसे आगे बताऊंगा मैं वैसे, बट है ना नोट के अंदर डाल के रखिए। नोट कभी भी बोलता हूं तो इसको मतलब इसको एक बॉक्स के अंदर रखना है ताला लगा के। ओके, आइस पैक टेस्ट फॉर, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज फॉर माइसीनिया ग्रेविस, एमजी माइसीनिया ग्रेविस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, टाइप्स ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो सारे के सारे टाइप याद रखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप।
एंड आंसर इज RRMS, आंसर इज RRMS मींस द रिलैप्सिंग रेमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये किस तरीके से होता है देखिए, जब भी यहाँ पे ये मोस्ट कॉमन क्यों होता है, दिस इज 85%, जितने चारों टाइप में से 85% तो ये रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप ऑफ द रेमिसिंग रेमिटिंग कौन सा होता है, इस टाइप से। आपने कई बार अपने पैट्रिक ऑफ मेडिसिन की डेविडसन के अंदर ये डायग्राम देखा होगा, तो दिस इज नोन एज ए रिलैप्सिंग रेमिटिंग टाइप ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप, एंड यही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको यही कॉमनेस्ट याद रखना है। सेकंड, अगर मोस्ट कॉमनेस्ट पूछ लिया जाए तो आंसर पता होना चाहिए। जस्ट कई बार नहीं पूछा जाता है, मोस्ट कॉमन ही पूछा जाता है, बट सेकंड मोस्ट कॉमन पता होना चाहिए। इट इज द प्राइमरी प्रोग्रेसिव प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डायग्राम कैसे बनेगा, ये लाइक दिस, जस्ट प्रोग्रेस करता जाएगा। दिस इज नोन एज ए प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से सेगमेंट से पूछा जाता है वो मैं बता देता हूँ। फ्रॉम दी ग्रेडिंग, दिस इज नोन एज ए स्कोरिंग स्केल। फ्रॉम दी ग्रेडिंग, ओके, एंड ग्रेडिंग से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है या स्केल से क्या पूछा जाता है, इसका नाम पूछा जाता है विच स्केल इज यूज्ड इन द मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या स्केल का नाम लिखा हुआ होगा और पूछा जाएगा कि ये स्केल कहाँ पे यूज की जाती है, तो हमारे को पता होना चाहिए EDSS। EDSS फुल फॉर्म ऑफ दिस इज एक्सटेंडेड डिजीज डिसेबिलिटी स्कोर स्केल। एक्सटेंडेड डिजीज और डिसेबिलिटी स्कोरिंग स्केल, ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे को बाई नेम पता होना चाहिए। मैं जहां पे उसके स्कोरिंग से भी क्वेश्चन पूछा गया हो तब तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ के इससे डीप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कभी भी। ओके, देन नेक्स्ट सेगमेंट इसी में से कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर। फर्स्ट इज दी MRI, फर्स्ट इज दी MRI, एंड MRI में हमारे को क्या मिलेगा, डीमाइलिनेशन। डी माइलिनेशन और मेनली कहाँ मिलेगा, पेरीवेंट्रिकुलर। पेरीवेंट्रिकुलर एरिया सीन ऑन दी पेरीवेंट्रिकुलर एरिया जो कि प्लेट फॉर्म में दिखेगा आपको। फर्स्ट, सेकंड इन्वेस्टिगेशन हमारे को क्या करा सकते हैं, CSF एग्जामिनेशन। ओके, तो CSF एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, लिक्विड क्रोमेटो ग्राफ पेपर टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, लिक्विड क्रोमेटोग्राफ पेपर टेस्ट करेंगे। वाइट नेम पूछा जाता है, सॉरी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफ पेपर टेस्ट इज यूजफुल इन दी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जिसके अंदर हमारे को क्या देखने को मिल सकता है, एम्स के लेवल का क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारा पास में ये जो क्रोमेटोग्राफ पेपर रहेगा तो वहां पे स्पेसिफिक एक बैंड दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, स्पेसिफिक एक बैंड दिखाई देता है, और दिस बैंड इज नोन एज ए ऑलिगोक्लोनल बैंड, और दिस इज दी हॉलमार्क ऑफ द डिजीज। दिस इज दी हॉलमार्क ऑफ द डिजीज ऑलिगोक्लोनल, ऑलिगोक्लोनल बैंड। तीन स्टार रखा, ओके,
ऑलिगोपोनल बैंक अगर प्रेजेंट है मींस दी उसको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, और ऑलिगोपोनल बैंक एब्सेंट है मींस उसको एमएस तो डेफिनेटली एंड डेफिनेटली नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट है ये ऑलिगोपोनल बैंक, इसीलिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज, किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे उसके अंदर टिक क्या करना है आपने को, ऑलिगोकोनल बैंक, कहीं से भी आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ द डिजीज, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ओके तो ये नीट पीजी एंड डीआईपी के अंदर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारे भी चांसेस बनता है कि हमारे एआईपी जीके एंड यूपीएससी के अंदर ये यहां से क्वेश्चन बने, तो हमारे को आंसर पता होना चाहिए। क्लियर हुआ यहां तक, कोई कंफ्यूजन नहीं? तब हम बात करते हैं इंफ्लेमेटरी मायोपैथी की, किसकी बात करते हैं, इंफ्लेमेटरी मायोपैथी, जिसके अंदर सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या रहता है, डर्मेटोमायोसाइटिस, और कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी मैं उस तरीके से ही बताऊंगा कि आपको यहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमारे को क्या आंसर करना है। डर्मेटोमायोसाइटिस बाय नेम समझ में आ रहा है कि डर्मा में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, तो हमारे को डर्मा चेंजेस देखने हैं, लाइक स्किन चेंजेस एंड स्किन चेंजेस हमारे को पता होना चाहिए। बाय नेम पूछे जाते हैं, और पूछा जाता है व्हाट इज द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या रहेगा, डर्मेटोमायोसाइटिस डायग्नोसिस क्या रहेगा, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, डायग्नोसिस इज द डर्मेटोमायोसाइटिस। तो पहले वो बात करते हैं कौन कौन से स्किन चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है तो ध्यान से समझिए। फर्स्ट स्किन चेंजेस नोन एज ए हेली हेलियोट्रोपिक रेसेस, हेलियोट्रोपिक रैश, ओके, जो कि कहां पे दिखने को मिलते हैं, पेरी ऑर्बिटल, पेरी ऑर्बिटल, जहां पे पेरी ऑर्बिटल में क्या मिल सकता है, डिडीमा एंड इरिदमा, डिडीमा एंड इरिदमा, ओके, हेलियोट्रॉपिक रेसेस सी इन डी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और उसके डीप भी मैंने आपको समझाया है, ठीक है। दूसरा इज दी गॉट्रंस पेप्यूल्स, गॉट्रंस पेप्यूल्स, हम पूरी डिजीज पढ़ लेते हैं बट जहां से क्वेश्चन आता है उस पर ध्यान नहीं देते, क्वेश्चन यहां से डेवलप होता है। गॉट्रंस पेप्यूल्स सीन इन दी डर्मेटोमायोसाइटिस, ओके, तो यहाँ पे जो पेप्यूल्स हैं, पेप्यूल्स सीन ऑन दी इंटरफेरिंजियल जॉइंट्स एंड एमपी जॉइंट्स, ओके, पेप्यूल्स ऑन दी आईपी एंड एमपी, गॉट्रंस पेप्यूल्स, ये आता है स्वाल साइन, जहां पे हम शॉल डालते हैं, मेनली जो गर्ल्स हैं शादी में जाते हैं तब शॉल कहाँ पे डालते हैं, मफलर की तरह डालते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं शॉल साइन। तो रैशेस भी उसी एरिया में उसी पैटर्न में दिखाई देते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉल साइन, तो इसको बोलते हैं इरिदमा इन शॉल पैटर्न, शॉल पैटर्न और शॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन नेक्स्ट आता है हमारा मैकेनिकल हेड, मैकेनिकल हेड मीन्स कि जो मैकेनिक्स होते हैं या जो मजदूर होते हैं जो कि
हार्ड वर्क करते हैं अपने खुद के हाथ से, तो उनके हाथ अगर देखोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, हाइपर किरेटोसिस हैंड मिलेगा। ऐसा लगता है कि मैकेनिक का हाथ है, ये मजदूर का हाथ है, कतिया तो वो वाली चीज होती है, मैकेनिकल है, सीन इन दी डर्मेटोमायोसाइटिस। तो हैंड्स कैसे होंगे, हैंड्स इज हाइपरकिरेटोसिस। हाइपरकिरेटोसिस प्लस वहां पे क्या मिलेगा हमारे को, कट्स भी मिलेंगे, डीप कट्स मिलते हैं वो। ओके, हाइपरकिरेटोसिस विद कट्स नोन एज ए मैकेनिकल है। तो ये चारों ही पैटर्न पता होना चाहिए, हेलिकोपैक हेलियोट्रोपिक रेसेस, कटरंस, पेप्यूस, शॉल साइन एंड मैकेनिकल हैंड सीन इन दी डर्मेटो मायोसाइटिस। ओके, तो कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा, तो कुछ कंफ्यूजन हुआ है तो हम जो हमारा इंफ्लेमेटरी की बात कर रहे थे अभी आपको मैं बता रहा था, जो इंफ्लेमेटरी हमारी हेडिंग थी, इंफ्लेमेटरी मायोपैथीज के अंदर हम बात कर रहे थे। तो इंफ्लेमेटरी के अंदर दो तीन चीजें और आती हैं, तो उसका डायरेक्ट मैं आपको फ्लो चार्ट वाइज कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। एक टेबल बनाइए सिंपली, तो फर्स्ट इज दी डर्मेटोमायोसाइटिस, सेकेंड इज पॉलीमायोसाइटिस, सेकेंड इज पॉलीमायोसाइटिस एंड थर्ड वन इज द इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज मायोसाइटिस, मायोसाइटिस। इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता देता हूँ। फर्स्ट आता है हमारा एज फैक्टर, ये एनी एज ग्रुप में इन्वॉल्व कर सकता है। पॉलीमायोसाइटिस ग्रेटर देन 20 ईयर में एंड इंक्लूजन बॉडी मायोसाइटिस इज ग्रेटर देन 50 इयर्स में। अगर बात करें मसल्स में, प्रोक्सीमल है, डिस्टल है, कौन सी है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा प्रोक्सीमल एंड प्रोक्सीमल डिस्टल। देन मसल्स के बाद में स्किन इन्वॉल्वमेंट बाय नेम समझ आ रहा है कि स्किन इन्वॉल्वमेंट एक में ही देखने को मिलेगा, बाकी में नहीं देखने को मिलेगा। और एसोसिएटेड विद विच मैलिग्नेंसीज, एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसीज, मैलिग्नेंसीज के साथ में भी डर्मेटोमायोसाइटिस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये फ्लो चार्ट अपने को पता होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट सीजर्स की बात करते हैं। कई सारे क्वेश्चंस हमारे सीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सीजर्स से कई सारे क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। अच्छा, चैट बॉक्स में अपना आंसर डालें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सीजर्स एंड एपिलेप्सी। प्लीज चैट बॉक्स ऑन करें और अपना आंसर डालें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी सीजर्स एंड एपिलेप्सी। प्लीज चैट बॉक्स ऑन करें और अपना आंसर डालें।
सेंटेंस आंसर है। प्रोसीड करता हूँ, यस और नो भी आंसर नहीं आ रहा है। एपिलेप्सी क्रोनिक ओके, बेसिक फंडा क्लियर नहीं है। ठीक है, देखिए काफी हद तक सही है। देखिए सीजर्स, सीजर्स की डेफिनेशन देखिए, इट इज दी पैराउजेस्मल इवेंट ऑफ दी हाइपर सिंक्रोनस हाइपर सिंक्रोनस सीएनएस डिस्चार्ज फ्रॉम द कॉर्टेक्स। डेफिनेटली यहां पे क्या मिल रहा है हमारे को, पैराग्रेशनल इवेंट ऑफ द हाइपरक्रोनस सीएनएस डिस्चार्ज, जो कि किसी भी वजह से डेवलप हो सकता है। बट एपिलेप्सी की अगर बात करें तो एपिलेप्सी की डेफिनेशन क्या बोली जाती है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू अनप्रोवोकेटिव अनप्रोवोक्ड सीजर्स ओवर अ टाइम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, दिस इज नोन एज एपिलेप्सी। ओके, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे चलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लासिफिकेशंस देखिए क्या होता है, ये मेरा ब्रेन पोर्शन है एंड मेरे ब्रेन पोर्शन के एक सेगमेंट के अंदर कोई लीजन डेवलप हुआ है जिसको हम बोलते हैं क्या है, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट लीजन, डिस्क्रीट लीजन्स। एंड डिस्क्रीट लीजन्स की वजह से क्या डेवलप होगा, मेरे पर्टिकुलरली एक सेगमेंट के अंदर, पर्टिकुलरली एक सेगमेंट के अंदर जिसको हम क्या बोलेंगे फोकल, जिसको हम क्या वर्ड टर्मिनोलॉजी देते हैं फोकल। और पहले प्रीवियसली प्रीवियस टाइम में इसी फोकल को हम क्या बोलते थे पार्शियल, इसी को हम क्या बोलते थे पार्शियल, पार्शियल। तो अब पार्शियल वर्ड यूज नहीं किया जाता है, अभी जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फोकल सेगमेंटल, ठीक है ना, सीजर्स एंड फोकल सेगमेंटल। ओके, तो क्यों डेवलप हुआ, ड्यू टू दिस डिस्क्रीट लीजर्स। अगर मैं बात करूं मेरे ब्रेन में, अगर डिफ्यूजली लाइक इस टाइप डिफ्यूज लीजन डेवलप हुआ है, डिफ्यूज लीजन डेवलप हुआ है तो यहां डेफिनेटली कौन से लिम इन्वॉल्वमेंट मिलेंगे, इक्वली चारों लिम इन्वॉल्वमेंट मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, इसको हम क्या बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्लासिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड डिफ्यूज लीजन पर्टिकुलरली किसकी वजह से डेवलप होता है, कोई टॉक्सिन्स हो या मेटाबॉलिक की वजह से, या थर्ड वन इज दी ड्रग, थर्ड वन इज दी ड्रग। एंड ये तीनों चीजें क्या डेवलप करती हैं, जनरलाइज्ड सीजर्स डेवलप करती हैं। ओके, और जनरलाइज सीजर्स हमारे को कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पे पेशेंट का एल्कोहल विड्रॉल हुआ है, ठीक है ना,
अल्कोहल विथड्रॉल हुआ है या हाइपोलिपिमिया या हाइपोग्लाइसीमिया, ओके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ डिसीजर इज सीन इन द केस ऑफ द हाइपोलिपिमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, अल्कोहल विथड्रॉल। तो आंसर बता दीजिए, इट इज जनरलाइज्ड सीजर्स। अब पहले हम बात करते हैं फोकल सीजर्स की, फिर कंटिन्यू चलेंगे हम फोकल। फोकल का क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो हम किस तरीके से देखेंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस LOC, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कॉन्शियसनेस, कॉन्टेक्ट एंड कॉग्निशंस। कॉग्निशंस मींस द अंडरस्टैंडिंग, अगर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, ओके, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, जिसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा, डिसकॉग्निशंस। दिस Cognitions. And अगर loss of consciousness absent है तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन डिसफंक्शन cognitions, नॉन डिस cognition। But this is known as a simple seizures. तो सिंपल पार्शियल सीजर्स, सिंपल पार्शियल सीजर्स एंड दिस इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स, ओके। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वन, थर्ड वन देखिए, थर्ड वन इज दी known as a focal seizures with secondary generalized seizures. With secondary generalized secondary generalized seizures, okay. Focal segmental seizures generalized secondary generalized कैसे बनता है वो मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने अभी तक focal के लिए क्या diagram बनाया था आपके सामने, वापस से वो diagram लिख आता हूँ। मान लीजिए ये मेरा focal का ये diagram था, yes, then ये जो lesion है धीरे धीरे brain के other portions में इस तरीके से इस direction में spread हो रहा है, तो वो क्या करेगा, फर्स्ट एक सेगमेंट को इन्वॉल्व किया हुआ था, जैसे जैसे लीजन्स डिफ्यूज हो रहा है तो वो पहले क्या करेगा, सेकंड लिम्ब को इन्वॉल्व करेगा, सेकंड से थर्ड लिम्ब को इन्वॉल्व करेगा, थर्ड से फोर्थ लिम्ब को इन्वॉल्वमेंट करेगा। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फोकल विद सेकेंडरी जनरलाइज्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल विद सेकेंडरी जनरलाइज। किस तरीके से कर लो पूरा समझ में आया, ओके। एक वर्ड आता है टॉड पाल्सी, व्हाट इज दिस टॉड पाल्सी। टॉड पाल्सी कई बार क्वेश्चन आता है तो हमारे को एक ही वर्ड पता होना चाहिए, पोस्ट इक्टल पैरालिसिस। Post-ictal paralysis means, ictal means paralysis occur after the seizures over, okay, paralysis occur after seizures over, known as a post-ictal paralysis, and it is by God grace, it is self
रिकवरेबल मीन्स यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, प्लेसिबो, क्योंकि हम गारंटी के साथ में ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज आल्सो नोन एज ए सेल्फ रिकवरेबल। तो जब डिजीज नॉलेज रहेगी तो हम हमारे पेशेंट को भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, सेल्फ रिकवरेबल है, मतलब तो यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं देना है, वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, फालतू में पूरी टेस्टिंग करने बैठते हैं। एक वर्ड आता है हमारे लिए, और वो क्या रहता है, वर्ड है हमारा जैक्सोनियन मार्च। कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मार्च चला गया वैसे, तो जैक्सोनियन मार्च। सी पहली चीज क्वेश्चन पूछा जाता है, सी पोस्ट इक्टल मीन्स पैरालिसिस आफ्टर सीजर्स ओवर, सीजर्स खत्म होने के बाद में पैरालिसिस डेवलप होना नोन एज ए पोस्ट इक्टल पैरालिसिस और नोन एज ए टोरपैल्सी, एंड इट इज सेल्फ रिकवरेबल, नो नीड फॉर मेडिसिंस। ओके, जैक्सोनियन मार्च। जैक्सोनियन मार्च पहला क्वेश्चन, सी इन ऑनली एंड ऑनली इन दी फोकल सीजर्स, पहला क्वेश्चन कि जैक्सोनियन मार्च किसमें देखने को मिलता है, सी इन दी फोकल सीजर्स, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, कि ये डिस्टल टू पेरिफेरी रहता है या पेरिफेरी टू डिस्टल रहता है, तो हमारे को तो पता होना चाहिए कि ये डिस्टल टू पेरिफेरी भी रहता है और पेरिफेरी टू डिस्टल भी रहता है, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल और डिस्टल टू पेरिफेरल, सेकंड क्वेश्चन। इससे बार इस तरह क्वेश्चन आता नहीं है, जो भी क्वेश्चन जैक्सोनियन मार्च से बनता है वो आपके सामने। ओके, देन नेक्स्ट इज दी एब्सेंस सीजर्स। लेस देन 1 मिनट है, प्लीज रिजॉइन अगेन, देन वी कैन कंप्लीट द एब्सेंस सीजर्स। ओके, शायद 1 मिनट से भी कम टाइम है, तो प्लीज रिजॉइन अगेन इमीडिएटली विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड, सो वी कैन कंटिन्यू विद द एब्सेंस सीजर्स।